ये क्या है? नमस्ते, आप सबका स्वागत है हिमाचली डिम्पी ग्रूवी ब्लॉग में। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? सब खुश और ठीक ठाक तो है ना? आज ना मैं एक अनदर ब्लॉग ला रही हूँ आप सबके लिए। आज मैं जा रही हूँ अपनी मासी के घर। जो मेरी मासी का घर है ना, वो कलमोग में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला आता है और तहसील ननखरी आती है। जो पहले तहसील थी ना कलमोग की, वो थी हमारी रामपुर बुशहर, पर वो अब हो चुकी है ननखरी। तो चलिए मैं आपको रास्ते में मिलूंगी। और रास्ते में ना बहुत सुंदर सुंदर व्यू आते हैं, जैसे आपका आ गया नोगली आ गया, आपका निरसू आ गया, आपका बदराश आ गया, नीरत आ गया। नीरत में, नीरत ना फेमस, मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे बहुत ही पुराना सूर्य मंदिर है, वो खुला नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती थी। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी रास्ते में। अखिलेश, यहाँ से 14 किलोमीटर है। हाँ, हम लोग ना पहुँच चुके हैं नोगली। ये नोगली मार्केट है, देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ऊपर देखो बादल दिख रहे हैं ना आपको, कितना ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अक्षय देख, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सारी गाड़ियां ठीक होती है। आप जैसे देख रहे हो गाड़ियां लगी हुई है। और सामने व्यू कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं निरसू। ये रहा निरसू मार्केट। यहाँ क्या है? यहाँ पे कुछ भी फेमस नहीं है। यहाँ पे आपको सीधी रोड मिलती है। तो आप सीधी पार पहाड़ियाँ देख रहे हो ना, वो है आपका कोटगढ़। कई लोग बोल रहे थे कि मैम आप प्लीज कोटगढ़ की वीडियो बनाना। तो मैं वहाँ तो जा नहीं सकती, पर मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। टॉप जो चोटी है वो है कोटगढ़। हम लोग ना नीरज जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। देखो शॉप्स खुली होगी कि नहीं होगी, पर आज संडे है तो मुश्किल ही है दुकानें खुली होगी। पर मैं आपको नीरत का दिखा देती हूँ पूरा मार्केट किस तरह से दिखती है। ठेका कुंडा बोलना और कुछ नहीं। मेरे पति को सिर्फ ठेका ही दिखता और कुछ नहीं दिखता। मैं बता रहा हूँ ये बंदे कितने पंक्चुअल होते हैं, इनके ऊपर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। ये रही नीरत मार्केट। हम लोग पहुंच चुके हैं नीरत मार्केट, और नीरत में है बहुत ही फेमस और बहुत ही प्राचीन मंदिर, सूर्य नारायण का मंदिर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसे दिखता है, गेट बता देती हूँ, हम वहाँ तो जा नहीं सकते हैं। ये रहा सूर्य नारायण मंदिर, यहाँ से आपको जाना पड़ता है। ये रहा रास्ता। इस समय ना यार मंदिर बंद है कोरोना की वजह से, नहीं तो मैं आपको ये मंदिर भी दिखाती। जो राइट को रोड जा रही है ना, वो जाती है आपकी ननखरी, कलमोग, साइड को देलट को। तो हमने उस रोड में जाना है, और जो सीधी रोड गई ये गई आपकी रामपुर, किन्नौर, झाकड़ी के लिए। तो ये देखिए गिद्ध कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे गिद्ध ना गाय को खा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ाच। बड़ाच से ना दो रास्ते कटते हैं, एक तो आपका ननखरी को जाता है, दूसरा आपका जाता है देलट को। हम जाएंगे सीधे वाले रोड में, और लेफ्ट कुछ गया हमारा ननखरी रोड। और बाकी मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर व्यू है यहाँ का भी। और ये रहा पहाड़ों का व्यू। ये रहे सेब के पेड़। अब ये छोटे छोटे से है, ये थोड़े बहुत सेब दे रहे हैं, फसल दे रहे हैं। जैसे ये बड़े हो जाएंगे ना, ये बहुत सारे सेब देंगे। और देखो कितने इस तरह के होते हैं सेब के पेड़। मम्मी हेलो करो, कहाँ चले? अपनी दीदी के घर। मम्मी, मैं, अक्षय और अमोल, हम तीनों जा रहे हैं, चारों मतलब सेब तोड़ने। ऐसा कुछ नहीं है, बस हम ऐसे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा मिल लेते हैं मासियों से भी।
सेब का आनंद भी ले लेते हैं। हाँ सेब का आनंद भी ले लेते हैं, ये बोल रही है मम्मी। तो चलो अब मैं आपको रास्ते में मिलूंगी, व्यू दिखाते दिखाते। अभी ना हम लोग पास दे रहे हैं, पहाड़ों में ना पास देना थोड़ा मुश्किल होता है गाड़ियों को, आप जैसे देख रहे हो। है जगह अब उस बस को ना पीछे जाना पड़ रहा है। फाइनली हम लोगों को मिल चुका है पास। पहाड़ों में ना बहुत ही ज्यादा नेचुरल वाटर निकलता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा नेचुरल वाटर। गांव वालों ने इस तरह का टैंक बनाया होता है ताकि आते जाते लोग पानी पी सकें, जिन लोगों को भी प्यास लगती है। ये बहुत ही ज्यादा चिल्ड पानी है, ठंडा ठंडा कूल कूल। हम लोग ना देर लेट पहुंच गए थे, फिर मेरी मासी ने बोला ना कि आप लोग आ तो रहे हो तो सबसे पहले मंदिर चले जाओ। देलट में ना क्रांगड़ एक जगह है, वहाँ पे काफी पुराना मंदिर है, तो मासी ने बोला कि वहाँ दर्शन करके फिर घर आना। और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पर हम लोगों को दर्शन बाहर से ही करने पड़ेंगे, रीजन मंदिर बंद है कोरोना की वजह से भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर व्यू। ये देखिए बादाम का पेड़, और इस तरह से इसमें नेट लगाई है ताकि ओले से बचाया जा सके। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये रहा वो मंदिर। जो मंदिर है ना, ये कोट काली माता का मंदिर है। इसका उद्घाटन ना हमारे राजा वीरभद्र जी ने किया था, और अब मैं आपको पूरा अंदर से मंदिर दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये ना मासी का रास्ता है घर का, कितना पतला पतला रास्ता है। और देखिए आप, ये लगा है टोली लगी है घास की, इस तरह से लगाते हैं हमारी साइड टोलियां ना घास की। ये देखिए अखरोट का पेड़, आपको अखरोट दिख रहा है, मैं दिखाई देती हूँ। वो देखिए सामने ये अखरोट लगे हैं। मैं ना मासी के घर पहुंच चुकी हूँ, और इस समय मैं खड़ी हूँ मासी की गौशाला के पास। गौशाला खुद बोलते हैं ना हमारी साइड, और क्या बोलते हैं, घड़ार भी बोलते हैं, मंडियार में घड़ार बोलते हैं और अपर हिमाचल में खुद बोलते हैं। तो मैं आपको फिर से लाली से मिलवाती हूँ। हेलो, लाली को मिलवा दो भाई हमारे को। एक खोला मासी ने दरवाजा। हेलो लाली, कैसी है, आगे मैं फिर से मिलने आपसे। देख दे रहे लाली, इसको पता कि मैं आती हूँ। हेलो लाली, हेलो कर इधर इधर। हेलो, अभी ना लाली हो चुकी है खाने में। ओहो हेलो, की बड़ी बड़ी आंखें, कितनी सुंदर लग रही है ना मासी। ये देखो इसका अपना वो आधार कार्ड भी लगे, समझो लाली का आधार कार्ड है जो कान में लगा हुआ है ना लाली, आपका आधार कार्ड है ना। हाँ,
है ना लाली। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, वो बह रही है सतलुज नदी, ये देखो। हाँ वो जो दिख रही है देखो मासी, सामने जो है सतलुज नदी है, ये देलट गांव है, ये देखो व्यू कितना ज्यादा सुंदर है। वो जो सामने दिख रहा है ना वो देलट है, हम इस रोड से आए हुए हैं। और जो आप सामने वैली देख रहे हो वो है आपकी कोटगढ़ वैली, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। हम लोग ना फाइनली पहुंच चुके हैं मासी के घर। ये रही मासी। मासी ऐसे हेलो करो, जोर से बोलो हेलो। मम्मी आप भी कर लो। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और ग्रूवी वीडियो देख सके। मैं कल मिलूंगी आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।